आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से शंकर आई हॉस्पिटल फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश में शंकर आई हॉस्पिटल की इस द्वितीय शाखा का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही काशी में आज होने जा रहा है। शंकर आई फाउंडेशन देश के अंदर नेत्र रोगियों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिष्ठित अभियान है। जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की प्रेरणा से 1977 में चला यह अभियान आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में शंकर आई हॉस्पिटल के अलग अलग प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य कर रहा है। और आज काशी के साथ कांचीपुरम से काशी तक की इस यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का और शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धारा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। खासतौर पर काशी में अगर हम देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, 430 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीएचयू के अंदर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेडेड एनसीएच विंग और आईएसआईसी हॉस्पिटल में 150 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण करके न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, श्री प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी 100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशीवासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो, यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर शंकर आई हॉस्पिटल के वाराणसी काशी की इस
आरजे शंकर नेत्रालय के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज और अन्य सभी महानुभावों का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को भी इस प्रतिष्ठित समारोह में, गरिमामय समारोह में उपस्थित होने के लिए और काशी के विकास के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कांची जगत गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य उपस्थिति में हम सब भाग्यशाली हैं। अब हम शंकराचार्य जी का अनुग्रह भाषणम सुनेंगे। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांदेहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यंतं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। आज अच्छा पर्वकाल है। इस पर्वकाल में काशी में